नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सनातन सुजो भूमि सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। तो दोस्तों एनस एरिया में तीन समस्याएं होता है, तो उसके अंदर पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। तो सबसे पहले समझते हैं पाइल्स क्या है। पाइल्स एनस एरिया का अंदर और बाहर जो है ब्लड वेसल्स रहता है, यानी खून का नसे रहता है। जब हार्ट स्टूल पास हो जाता है तब उस एरिया के जो नसे है वो फूल जाता है, फूल के अंदर रह जाता है। जब ये पाइल्स ज्यादा दिन तक हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, फूला हुआ नसे बाहर आ जाता है। जो फूला हुआ नस अंदर रहते हैं उसको हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, जो फूला हुआ नस बाहर आ जाता है उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स ये अंगूल का मापी जो है बाहर लटकता है। अभी पाइल्स को जो है चार ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ग्रेड वन पाइल्स, ग्रेड टू पाइल्स, ग्रेड थ्री पाइल्स और ग्रेड फोर पाइल्स। ग्रेड वन पाइल्स एनस का अंदर ही रहता है, ग्रेड टू पाइल्स एनस का अंदर रहता है, ये स्टूल पास करने के टाइम बाहर रहता है लेकिन फिर वो अंदर वापिस चला जाता है। और ग्रेड थ्री पाइल्स में स्टूल पास करते टाइम वो बाहर आ जाता है, और एनस वॉश करने के बाद जैसे हाथ से उंगली से पुश बैक करोगे तो अंदर चला जाएगा। और ग्रेड फोर पाइल्स में ये अंगूर फल का मापी बाहर ही लटकता है, ये अंदर वापिस धकलने से नहीं जाता है, तो इसी को ग्रेड फोर पाइल्स कहते हैं। तो दोस्तों ये तो था पाइल्स, अब चलते हैं फिशर के बारे में। फिशर एनल कैनल का या एनस का अंदर जो इनर लाइनिंग होता है वो कट जाता है, फट जाता है, छिल जाता है, जिससे ब्लीडिंग होता है और बर्निंग और जो पेन है बहुत ज्यादा होता है। ये स्टूल पास करने के बाद घंटे तक इसका बर्निंग और पेन रहता है, और जलन चुभन जो है इतना ज्यादा होता है पेशेंट एकदम बेचैन हो जाता है। ये था तो ये होता है हार्ट स्टूल के कारण। तो ये था दोस्तों फिशर। अब चलते हैं फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला एक इन्फेक्टेड टनल होता है जिसका इंटरनल ओपनिंग एनल कैनल का अंदर रहता है और एक्सटर्नल ओपनिंग जो है एनस का बाहर एरिया में रहता है। ये फुड़ा फुंसी का मापिक ये बाहर एरिया में आपको नजर आएगा। जब इन्फेक्टेड टनल पास से यानी मवाद से भर जाता है तो एक्सटर्नल ओपनिंग से ये निकलता रहता है। इसका साथ आपका पास के साथ आपको ब्राउन कलर का ब्लड भी निकल सकता है। जब ये पस निकलता है तो बहुत पेन होता है उस एरिया में। तो ये मेन इसका रीजन है फोड़ा फुंसी। जो फोड़ा या फुंसी जिसको एब्सेस कहते हैं, तो एब्सेस जो है कभी कभी ठीक होता है, कभी आधा ठीक होता है, और इसका वजह से जो है जो आधा ठीक होता है या पूरा ठीक नहीं होता है वो एक सुरंग बना लेता है एनल कैनल के अंदर, जिसका वजह से एक टनल बन जाता है, सुरंग बन जाता है और उससे जो है मवाद निकलना शुरू हो जाता है। इसी को दोस्तों एनल फिस्टुला कहते हैं। अब चलते पाइल्स और फिशर के बीच में डिफरेंस क्या है। पाइल्स में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, फिशर में ब्लीडिंग कम होती है। पाइल्स में पेन कम होता है, फिशर में बर्निंग और पेन दोनों जो है बहुत ज्यादा होता है, एक घंटों तक रहता है। और फिस्टुला में जो है पेन कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन इसमें जो मवाद निकलता है ये जो है उस टाइम पेन होता है। और कॉजेस अगर कहते हैं तो सबसे बड़ा कारण जो है हाइजीनिक ठीक ठाक ना रहने के कारण ये जो फोड़ा फुंसी होता है एनस एरिया में, जिसका कारण जो है ये फिस्टुला होता है। तो फिस्टुला का मेन कारण है एब्सेस यानी फोड़ा, और पाइल्स का मेन, पाइल्स और फिशर दोनों का मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। जब हार्ट स्टूल पास होता है तो दोनों को जो है पाइल्स और फिस्टुला का मेन रीजन हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों ये तो था
तीनों का डिफरेंस, लेकिन एनएस का बाहर से कैसे पता चले जे ये तीनों अलग अलग कैसे कर सकते हैं ना? एनएस का बाहर अंगूर का माफिक आप जो है पाइल्स को अगर पुराना होगा तो आपको दिखाई देगा, और फिशर में आपको बाहर से एनएस एरिया में कट नजर आएगा, स्किन जो है नजर आएगा कटा हुआ स्किन, और फिस्टुला में आपको फोड़ा का माफिक घाव जैसे अगर ज्यादा पुराना होगा तो घाव का माफिक आपको नजर आएगा। तो ये तीनों जो बीमारी है ये एनएस एरिया में होता है, और इसको सबसे पहले जैसे मतलब दोनों का मेन कारण कॉन्स्टिपेशन और दूसरा है हाइजीनिक कंडीशन ठीक ना रहने की वजह से होता है, जिसका कारण थोड़ा फंसी हो जाता है और उसी से जो है उसी एब्सेस से जो है फिस्टुला हो जाता है। अब चलते दोस्तों इसको ठीक कैसे करें, तो ठीक तो होम्योपैथी दवाई के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले आपका जो पानी ज्यादा पीना है, कंस्टिपेशन होने ना दें, कंस्टिपेशन ना होने इसका जो है पानी ज्यादा पीना है, और जो खाने के साथ आप जो खाना खाते हो उसमें सलाद जो है ज्यादा लेना है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया और बीट रूट हो गया, ये सारे जो है खीरा हो गया, ये सलाद में लेना है, और फाइबर का डाइट जो ज्यादा लेना है, जैसे कि पत्तेदार हरी साग सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, पपीता हो गया और पाइन एप्पल हो गया, ये सारे फ्रूट्स जो है आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको पपीता नहीं लेना और पाइन एप्पल नहीं लेना, इसमें एबॉर्शन का खतरा रहता है। तो अब चलते हैं दोस्तों इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों मेरा तीनों वीडियो है, एनल फिशर के बारे में, एनल फिस्टुला के बारे में और पाइल्स के बारे में, तो उसमें पूरा होम्योपैथी मेडिसिन डिटेल्स बताया हुआ है। जैसे आपको सिम्टम्स मिलता है उसी सिम्टम्स का अनुसार आप दवाई लेते रहिए, आपका ये तीनों बीमारी जो एनएस एरिया में होता है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसको तीनों जो लिंक है मैं इस पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिशर, फिस्टुला और पाइल्स का, तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख लीजिए और जो अपना समस्या है समाधान कर लीजिए। तो ये तो था दोस्तों आज का वीडियो, ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, लाभकारी साबित होगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल सुजोग होम्यो सेंटर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं अगले वीडियो जब अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, बी हैप्पी विथ होम्योपैथी, जय हिंद।